नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको चावल की पापड़ी बनाना बतलाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट स्नैक्स है, एकदम क्रिस्पी। ये देखिए, ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार है खाने में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बनाने का तरीका बतलाती हूँ। पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे चावल का आटा। मैंने अदरक हरी मिर्च के पेस्ट बना लिए हैं। नमक 2 कप चावल का आटा है, 1 छोटा चम्मच नमक लिया है मैंने। जीरा, मूंगफली, कच्ची मूंगफली है ये, उसको मैंने थोड़ा कूट कर रख लिया है। ये देखिए, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा टुकड़ा करना है। जीरा, तेल, लाल मिर्ची का पाउडर, तेल। इसमें तेल की जगह पर बटर, घी, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच तेल ले लिए हैं। आटा में सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर, जीरा 1 छोटा चम्मच लिया है, थोड़ा सा नमक, नमक बिल्कुल स्वाद के अनुसार, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। इन सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। जिस तेल में छानते हैं उसी तेल को मैंने ले लिया है, जैसे बटर से और अच्छी लगेगी। कुछ भी ले सकते हैं मोयन में। इसे खूब अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ अच्छी तरह से हो जाए। अब इसमें गर्म पानी डालेंगे। इसे धीरे धीरे गर्म पानी डालकर और गूंद लेना है। जैसे कि पूरी का आटा तैयार करते हैं उसी तरह से। पानी बहुत संभल कर डालना है और इसे गूंदना है। बहुत थोड़ा सा पानी लगता है गूंदने के लिए। इसे मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। जितनी बड़ी पापड़ी तैयार करना है उसी के अनुसार बॉल तैयार कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे से बॉल तैयार कर। बॉल को तैयार कर लेने के बाद मैंने एक प्लास्टिक ले लिया है, इसके ऊपर इस तरह से तेल लगा देंगे और हाथ में भी तेल लगा लेंगे और बॉल को इस तरह से लेंगे और फ्लैट कर देंगे। जितना पतला बना सकते हैं बनाएं। जितना पतला बनेगी उतनी अच्छी तरह से पकती है और क्रिस्पी भी बनती है। इस तरह से भी दबाकर और बना सकते हैं। इसे इस तरह से उठा लेंगे और इस तरह से सारे बॉल को तैयार करके रख लेंगे। बॉल को फ्लैट करके इस तरह से रख लेंगे। जितना पतला बना सकते हैं बना लें। इस तरह से सारे बॉल का को फ्लैट कर करके रख लेंगे। चाहे तो इसे मनपसंद शेप में भी बना सकते हैं। मैंने जैसे ग्लास से इसे गोल गोल कट कर दिया है। तेल को गर्म होने चढ़ा दिया है और इसे चेक कर लेना है कि ये गर्म हुई कि नहीं।
अगर ये झट से ऊपर आ जाए तो समझे कि तेल गर्म हो गई है। अभी तेल थोड़ी और गर्म होनी बाकी है। डालते ही ऊपर आ जाए, बस समझे तेल गर्म हो गई है। इस पापड़ी को बहुत संभाल संभाल के उठाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। इस तरह से उलट पलट कर और पापड़ी को सेंक लेंगे। ये देखिए, ये बहुत जल्दी तैयार होती है, बल्कि ये तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है, इसे निकाल देते हैं। इसी तरह से सारे पापड़ी को तल लेंगे उलट पलट कर। आप चाहें तो इस पापड़ी में बीच में फॉक से होल भी कर सकते हैं। कभी कभी ये पापड़ी फूल सी जाती है, तो इसमें होल कर देंगे तो ये फूलेगी नहीं। जैसे ये थोड़ी ब्राउन होने लगे, इसे निकाल दें। ये बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, हो गई बहुत ही स्वादिष्ट चावल के आटे से पापड़ी तैयार। आप इसे चावल के आटे की मठरी भी कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत चटपट बन जाती है। ये देखिए, ये कितनी क्रिस्पी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी होती है ये, और बहुत मज़ेदार। आप इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।